अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। मेरठ के अब्दुल्लापुर में एक महिला की गला काटकर हत्या कर दी गई है। यह हत्या उसके ही घर में की गई है। हत्या के बाद पति गुलफाम फरार हो गया है। पुलिस का मानना है कि हत्या को अंजाम उसके पति द्वारा ही दिया गया है। सीसीटीवी व अन्य साक्ष्यों के आधार पर पुलिस हत्यारे तक पहुंचने की कोशिश में लगी है। पूछताछ में पड़ोसियों ने पुलिस को बताया कि पति पत्नी दोनों का आपस में खासा विवाद रहता था। रोज ही मारपीट व शोर की आवाज बाहर सुनाई देती थी। फर्स्ट बाइट डॉट टीवी के कैमरे ने घटना स्थल पर यह नजारा कैद किया। देखिए इस बारे में एसपी देहात कमलेश बहादुर ने यह जानकारी दी। ये थाना भवानपुर क्षेत्र में अब्दुल्लापुर में एक महिला की शव मिला है, जिसके गले पे चोट पहुंचा करके हत्या किया जाना पाया गया है। इनके पति का नाम है गुलफाम सनाफ नवाब। अभी ये यहाँ पर नहीं है, फरार हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि पति के द्वारा ये घटना कारित की गई है। बाकी सभी पहलुओं पर इसमें जांच की जा रही है। डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। नमस्कार। कैंसर का इलाज हुआ अब पेनलेस, और ऐसा संभव हुआ साइबर नाइफ S7 से। देश की पहली साइबर नाइफ S7 मेरठ के मवाना रोड स्थित वालंटियर्स कैंसर हॉस्पिटल में मरीजों की सुविधा के लिए स्थापित की गई है।